नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सोशल न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत में बेतहाशा केसेस और ऑक्सीजन की कमी की वजह से और भारत सरकार इतनी ज़्यादा आलोचना के साथ घिरी हुई है दोस्तों, इतनी ज़्यादा आलोचना के साथ घिरी हुई है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे दुनिया से अपील की थी कि भारत की आकर मदद करें। तो उसी अपील के बाद पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, भाईचारा एकता का सबूत देते हुए, जैसे कि सिंगापुर हो गया, उसके बाद सिंगापुर ने ऑक्सीजन भिजवाया, और उसके बाद दुबई भी ऑक्सीजन भिजवा रहा है। लगभग दुबई की एक कंपनी 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत भिजवाएगी, और जबकि रशिया भी ऑक्सीजन भिजवा चुका है दोस्तों, और यूएसए ने भी कुछ दवाओं का सिंपल, जो कच्ची दवाओं का जो सिंपल होता है, वो भी इंडिया को देने के लिए राजी हो गया है, जो लगभग 6 लाख के आसपास है। और उसके बाद अपने यूके भी ऑक्सीजन पीपीई किट और जो भी वेंटिलेटर बेड, सभी 600 या 500 की मदद करने के लिए राजी हो गया है। तो ऐसे दुनिया में, पूरी दुनिया में भाईचारा एकता फैलाने के लिए पूरी दुनिया के ममालिक एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और इसी बीच हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान की बात इसलिए की जाती है क्योंकि गोदी मीडिया, आपको देखा होगा, गोदी मीडिया ने कैसी कैसी हेडलाइंस डाली थी, पाकिस्तान कोरोना की वजह से मरेगा मौत, पाकिस्तान कोरोना में कोरोना आतंकवाद फैलाएगा, पाकिस्तान ये करेगा। गोदी मीडिया इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाता है दोस्तों कि आप यकीन तक नहीं कर सकते। लेकिन उसी बीच अभी ने पाकिस्तान ने मदद करने की बात कही है इंडिया की, चाहे किसी भी स्तर पर मदद करने की, चाहे वो ऑक्सीजन को, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे पीपीई किट हो, और चाहे बेड हो। इसी बीच पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील का एक दुआ का बयान आया है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे आपसे। हमारे पड़ोसी मुल्क में या अल्लाह, जो एक मौत का रक्स जारी है और लाशें सड़कों पे। तो दोस्तों, इस बयान के बाद पाकिस्तान के जैसे शोएब अख्तर हुए, उन्होंने भी ट्वीट कर दुआ की दरख्वास्त की है, पूरे पाकिस्तान से दुआ की दरख्वास्त की है। बाबर आजम ने भी दुआ की दरख्वास्त की है। तो दोस्तों, पाकिस्तान भी हमें एकजुट का संदेश दे रहा है और हमें उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों। हाँ, ये मानते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन बॉर्डर पे दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन नहीं है दोस्तों। अगर वो बॉर्डर पे कुछ करता है तो हम दुआ करेंगे कि हमारा भारत जीते, लेकिन इंसानियत के लिए अगर कोई हमें हाथ देता है, हाथ फैलाता है और हाथ मिलाता है, तो हमें उसे हाथ मिलाना चाहिए दोस्तों। और पाकिस्तान के पूरे अवाम, जितनी भी अवाम है दोस्तों, वो मौलाना तारिक जमील ने यहाँ तक रिक्वेस्ट की थी कि सब लोग रात को उठ कर इंडिया के लिए दुआ करें, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें, ना ही एक मुसलमान के लिए नहीं उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है पूरे इंसानियत के लिए दुआ की जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे एनी रिलीजन के, पूरे दुनिया के लिए उन्होंने दुआ करने की अपील की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।